जय हिंद दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक और आ गया हूं नई वीडियो लेकर के। सबसे पहले आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन मेरी शॉर्ट वीडियोस आ रही थी जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे थे। पहले मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी शॉर्ट वीडियोस आपको कैसी लग रही थी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्टैमिना के ऊपर। स्टैमिना के बारे में आपको बताऊंगा कि आपकी स्टैमिना क्यों नहीं बनती है, और बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे मुझसे कि भाई बता दीजिए स्टैमिना कैसे बनाए, हम स्टैमिना को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पूरी ये वीडियो स्टैमिना के ऊपर होने वाली है, तो ठीक है लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और तभी आपको समझ में आ पाएगा कि स्टैमिना में आपको बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ चार चीज़ें बताऊंगा, उन चार चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपका स्टैमिना जरूर बढ़ेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नए हमारे रनर्स होते हैं, जो नए भाई बहन होते हैं, जो रनिंग करने की नई शुरुआत की हो रही होती है, तो उन लोगों के बारे में बात करेंगे। तो उन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या रहती है, वो बहुत जल्दी मतलब उनका पेशेंस नहीं रहता है, पेशेंस खत्म कर देते हैं अपना। मतलब पेशेंस खत्म कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने अभी शुरुआत की रनिंग, मान लो आज से स्टार्ट की उन्होंने रनिंग, तो वो 4-5 दिन जाएंगे, 10 दिन जाएंगे, उसके बाद वो दौड़ेंगे, लगातार दौड़ते रहेंगे, ये 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ेंगे, फिर उनको थकान हो जाती है एकदम से, फिर रुक जाते हैं, फिर वो रेगुलर उनका सिस्टम चलता रहता है 10 से 15 दिन तक। अब क्या होता है, वो रोज रोज जाते हैं, थक जाते हैं, कम दौड़ पाते हैं। अब वो ये सोचते हैं यार हमारी स्टैमिना बनी नहीं रही, दूसरा साल इतना लंबा दौड़ लेता हम दौड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि स्टैमिना एक दिन में नहीं बनता दोस्त, स्टैमिना बनने के लिए टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो चीज़ आपको अपना पेशेंस रखना, खुद पे थोड़ा सा संयम रखना है कि हमारी स्टैमिना बनेगी, ज़रूर बनेगी जब हम रेगुलर ग्राउंड जाएंगे। तो आपको रेगुलर ग्राउंड जाना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर वर्कआउट करना है, तो आपकी स्टैमिना बन जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या, पेशेंस रखना है और रेगुलर ग्राउंड जाना है। ठीक है, पहली चीज़ तो मैंने बता दी, जो नए रनर हैं, नए जो भाई बहन रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अब सेकेंड बात कर लेते हैं खान पान। दोस्तों अगर आप एक रनर बनना चाहते हो या फिर एक एथलीट बनना चाहते हो, तो आपको बता दूं ऑयली चीज़ें, फैटी चीज़ें खाना टोटल बंद कर दो। ठीक है, समोसे हो गया, कचौड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें बंद कर दो खाना, तभी आपका स्टैमिना अच्छे से बनेगा, एथलीट बॉडी जब भी आपकी डेवलप हो पाएगी। ठीक है, दो चीज़ें मैंने बता दी आपको, ये बंद कर देना है। खाना क्या है, खाना वो दोस्त जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, आपको प्रोटीन खाना है। तो प्रोटीन ये नहीं कि आप डिब्बे वाला प्रोटीन खा लो। ठीक है, स्टैमिना के लिए भी बहुत सारे डिब्बे वाले प्रोटीन आते हैं, वो आपको नहीं खाना है, आपको नेचुरल तैयारी करनी है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको, जिन चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, अपनी डाइट में उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। लाइक अगर आप नॉनवेज खाते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, वेज खाते हो तो पनीर खा सकते हो आप। ठीक है, चने अपनी डाइट में 100% शामिल करना ही करना है। बहुत सारी डाइट की मैंने वीडियो ऑल बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो दूसरी चीज़ मैंने बता दी, अच्छी डाइट लेना। तीसरी चीज़, आपको अच्छी स्लीप भी लेना ज़रूरी है, अच्छा रेस्ट भी लेना ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हो और रात में सो रहे हो 12 बजे 1 बजे, तो इससे आपका स्टैमिना नहीं बन पाएगा। आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, अगर आप प्रॉपर रेस्ट दे रहे हो तभी आपका स्टैमिना बन पाएगा, तभी आपकी एक जो बॉडी है एथलीट की तरह डेवलप हो पाएगी। तो प्रॉपर आपको बॉडी को रेस्ट देना, 7 से 8 घंटे तक आपको प्रॉपर सोना है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लें दोस्तों चौथे पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की, सबसे बेस्ट पॉइंट मतलब ये कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी। मतलब हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो पूरा दिन का शेड्यूल होता है, उसको हमको सुधारना पड़ेगा। लाइक इसमें जितनी आप सारी गलतियां करते हो, सबसे बड़ी चीज़ तो आप दो इसमें मस्टुबेशन, अगर आप मस्टुबेशन करते हो तो आपकी स्टैमिना बहुत ज़्यादा कम होती जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी चली जाती है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज हमारी बर्न हो जाती है। कभी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, आपको डिस्क्राइब कर दूंगा इसके बारे में सब कुछ, तो बेहतर रहेगा अगर फिर भी बाई चांस अगर हो जाता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रखी है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे। बहुत सारे बंदे होते हैं टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, कभी सुबह का खाना छोड़ दिया, दोपहर का खाना छोड़ दिया, रात का खाना लेट खाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको टाइम टेबल पे खाना खाना है, टाइम पे आपको वर्कआउट करने जाना है, सुबह शाम दोनों टाइम जा रहे हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप सुबह के टाइम पर रनिंग कर रहे हो, तो आपको सुबह के टाइम पर लॉन्ग रनिंग अगर मार रहे हो, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 किलोमीटर का वर्कआउट रनिंग कर ले रहे हो, उसके बाद वर्कआउट कर रहे हो, तो शाम को आपको थोड़ी सी कम रनिंग करनी है। ऐसा नहीं कि सुबह भी आपने कम से कम 10 किलोमीटर का रनिंग कर लिया, वर्कआउट कर लिया, तो शाम को भी आप उतना ही कर रहे हो। तो एक चीज़ फिक्स करो कि सुबह, या तो हमें सुबह ज़्यादा वर्कआउट करना है या फिर शाम को ज़्यादा वर्कआउट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बैलेंस बना रहेगा, जितनी आप कैलोरीज लोगे उतनी ही कैलोरीज बर्न करनी है। ठीक है, ज़्यादा कैलोरीज लोगे तो आपका फैट बढ़ जाएगा, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो ये चीज़ें मैंने आपको चार चीज़ें बता दी। पहला क्या कि आपको पेशेंस बना के रखना है खुद में कि हाँ मेरी टाइमिंग आ जाएगी, क्योंकि टाइमिंग बात कर रहा हूँ, स्टैमिना बन जाएगी, स्टैमिना बनने में क्योंकि टाइम लगता है, एक दिन में स्टैमिना नहीं बनता है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अच्छी डाइट लेनी है। ठीक है, प्रॉपर डाइट लेनी है,
डाइट में मैंने आपको बता दिया प्रोटीन वाली डाइट लेनी है, खान पान आपको, और तीसरी चीज मैंने आपको बता दिया आपका लाइफ स्टाइल, आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी रखनी है, ठीक है, डेली का रूटीन कैसा रखना है वो मैं तीसरी चीज मैंने आपको बता दी। चौथी चीज मैंने आपको बता दी कि आपको रेस्ट करना है, रेस्ट जरूरी होता है बॉडी के लिए, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तब तक के लिए बाय। एंड फर्स्ट टाइम इस चैनल पे अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे वाला लेकिन दबा देना, तब तक के लिए बाय। फिट रहो, एक्टिव रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और ग्राउंड पे शाइन करते रहो। जय हिंद।